कर लेगा। प्री टर्म वन है, तो टर्म वन का आपको नवंबर में बोला है, तो अभी अगर मैं बात करूं जो बच्चों की चल रहा है, अभी हम लोग सब्सिडी बुक्स कर रहे हैं, इसके बाद एक कैश बुक आएगा, तो ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद कैश बुक के बाद बीआरएस है, बीआरएस वुड टेक अबाउट 10 डेज, नॉट मोर देन दिस, बीआरएस से ज्यादा नहीं है। और डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व 10-12 दिन का और टॉपिक, तो ये दोनों टॉपिक बाद वाले जो है 1 महीने के हैं, तो आई वॉन्ट टू स्टॉप टिल देन, है ना। हम तो कोर्स अपना आगे चलते जाएंगे, क्योंकि स्कूल को देर नहीं लगती है, मैंने देखा है स्कूल में पढ़ा के भी सब जगह स्कूल वाले कब एक्सेलेटर दबा दे मालूम नहीं पड़ता, और वो ऐसा भागेंगे फिर कि पूछे मत, है ना, वो दे कैन प्रेस द एक्सेलेटर एनी टाइम। अब ये जो टॉपिक्स हैं, मैंने तो ट्रायल बैलेंस तो अभी करा दिया है, ट्रायल बैलेंस तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, सिंपल है, वो तो अभी करा दिया, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये जो टॉपिक्स है ना, ये थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है, ये टाइम लेने वाले हैं। और स्कूल्स का हमेशा ये फोकस होता है कि 11th का कोर्स जल्दी खत्म करके वो 12th का स्टार्ट करते हैं। इंदौर में कुछ एक स्कूल्स ऐसे हैं जो 11th में ही 12th का पढ़ा देते हैं, इस बार नहीं पढ़ा पाएंगे कोविड की वजह से, सीबीएसई ने दिया, लेकिन अगर घर अंदर अंदर पढ़ा भी रहे हो तो कुछ कह नहीं सकते। तो हमेशा स्कूल्स की कोशिश ये होती है कि 11th का सिलेबस जल्दी खत्म किया जाए और 12th स्टार्ट कर दें जल्दी से। तो मुझे नहीं लगता कि स्कूल्स के ऊपर 11th में बाइंडिंग है, वो टर्म 2 का एग्जाम्स कुछ स्कूल जल्दी ले सकते हैं, मेरा ये मानना है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी वजह से, कोविड की वजह से या किसी वजह से, मान लो 12th का टर्म 2 का एग्जाम लेट होता है तो, बट 11th का एग्जाम तो स्कूल्स मार्च में आराम से ले सकते हैं, फरवरी मार्च में ले लेंगे। मुझे नहीं लगता कि स्कूल्स वो डिले बियॉन्ड, मेरा अंदाजा ये कि ज्यादातर स्कूल्स फरवरी में लेने की कोशिश करेंगे, मिड ऑफ फरवरी के आसपास टर्म 2 का एग्जाम। बहुत अगर वो सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं रही है कुछ, वो अलग बात है, अदरवाइज दे वुड लाइक। तो अपने को कोशिश ये करनी है कि अपना कोर्स तो हम टाइम टू टाइम चलने दें, वी शुड नॉट स्टॉप फॉर देम। ये जो टर्म 1 का कोर्स है बहुत ज्यादा अब हमारा उन बच्चों के साथ नहीं बचा, और आप लोग अगर थोड़ा सा अच्छे से ले लेते हैं तो आपका भी हो जाएगा। तो जो बच्चे अभी कर रहे हैं शीट पे आगे सब्सिडी बुक्स वगैरह पे आ गए हैं, या जो बच्चे मान लीजिए 2021 पे भी हैं, जीएसटी में भी हैं, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत आराम से हो जाएगा। बट देन आई वुड लाइक कि हम लोग इसके अंदर जो सेकेंड टर्म के अंदर कुछ टॉपिक्स ले लें। लेट मी सी, अगर मैं ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ले लूँ, ट्रायल बैलेंस हो जाएगा अपना, रेक्टिफिकेशन लूँ या बिल ऑफ एक्सचेंज लूँ, उस समय डिसाइड कर लें, ठीक है। बट देन आई वुड लाइक टू हैव दिस टॉपिक, इसमें से कुछ ना कुछ एक आध टॉपिक तो हम लेना ही चाहेंगे, बड़ा टॉपिक। ट्रायल बैलेंस बहुत छोटा टॉपिक है, चाहे रेक्टिफिकेशन ले लें चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज ले लें, इनमें से कोई टॉपिक एक मैं थोड़ा सा करा लेना चाहूँगा पहले ही, सो दैट टर्म 2 के अंदर आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा और हम टर्म 1 का रिविजन भी अच्छे से कर दें। तो दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि मैंने तो ये देखा है स्कूल्स की आप बातों पे वो आराम से नहीं चल सकते, वो कब स्पीड ले लेते हैं कुछ मालूम नहीं पड़ता, कभी भी स्पीड ले लेते हैं और कभी भी कह देंगे टॉपिक इतना इतना काट पीट दिया, और अपने को कोई दिक्कत नहीं, अपन काट पीट के क्यों करेगा, अपन अच्छे से समझ के करेंगे चीजों को, अपने को ऐसी कुतूहल नहीं। मैं समझता हूँ कि हम लोग जो अभी क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं और आप लोग जो जिस हिसाब से कोऑपरेट कर रहे हो और पढ़ रहे हो, आप लोग अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, और आपको ऐसा लगता भी होगा जब आप स्कूल में बैठते होंगे क्लास में, आपको लगता होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है। मैं कंजर्वेटिव होकर कह रहा हूँ कि अच्छी आप नहीं भी कहेंगे, लेकिन कई बच्चों को ऐसा लगता होगा कि कुछ बच्चों को रियल में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनको लगता होगा कि दे आर एबल टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स इजीली, बहुत आराम से, एज कम्पेयर टू मेनी अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। और कुछ बच्चों को थोड़ा सा लगता होगा कि ठीक है फिर भी हम अच्छे हैं, बहुत अच्छे नहीं, तो कुछ को ऐसा लगता होगा अच्छे हैं क्योंकि उन पे, बाकी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो मेरे कोशिश है आप इतना अच्छा कर रहे हो तो हम अपना लेवल क्यों गिराएं, हम अच्छा ही करें ना, फिर खराब क्यों करें। और आपको इसका बेनिफिट अभी नहीं, बाद में आपको महसूस होगा, 12th में महसूस होगा, आप 12th में देखोगे यार क्या मजा आ रहा है, एकदम से ऐसा लग रहा है कि जैसे है ना, मुझे ऐसा लग रहा है स्विमिंग में आदमी लेटता ना, इसको स्विमिंग अच्छी आती है, लेटा रहता है वो खुद ही तैरता रहता, समथिंग यू विल फील दैट कि ऐसे मजे में चल रहा है सब काम, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, ऐसा फील होगा, ठीक है। ओके, एनी क्वेश्चंस, किसी को कोई चीज पूछनी हो तो पूछिए मेरे से।
ठीक है। अब मैं आपके साथ एक रिव्यू डिस्कस कर रहा था, कई चीजें हम उसी को आगे बढ़ाते हैं अपना डिस्कशन। मैंने 19 शीट ऑनवर्ड्स आपको एक रिव्यू दे रहा था, कैसे कैसे किन चीजों को करना है। उसमें जैसे जैसे टॉपिक्स आते जा रहे थे मैं आपको समझाता जा रहा था, तो मैं उसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ। सीबीएसई की अपनी मजबूरियां होती हैं, सीबी अपने हिसाब से चीजों को करता है, वो हम अलग देखेंगे। बाकी हम अपने हिसाब से चीजों को समझते जाएं और करते जाएं। और हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि हमारा जो फाउंडेशन है, जो भी हम कर रहे हैं, वो बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रांग हो। मतलब हमें कहीं पे भी, अभी कोविड में मैं जानता हूं कि कई सारे बच्चों को वो मौके नहीं मिल रहे हैं कि वो इतने अच्छे से पढ़ाई कर सके, बट आप लोग के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। यू आर दोस फॉर्चुनेट इनफ हु आर एबल टू अटेंड क्लासेस रेगुलरली एंड प्रॉपरली, तो यू शुड डू दैट, व्हाई नॉट, यू शुड डू दैट। ठीक है, ऐसा आप करें। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आगे से। दैट इज ऑन स्टार्टिंग विथ वन बाय वन ऑल द शीट्स हम आप बात कर रहे हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। फाइन। अच्छा, अभी मैंने आपको एक चीज, लास्ट टाइम लेजर के बारे में थोड़ा सा बताया था कि हम लेजर अकाउंट जो बनाते हैं, और मैंने आपको ये बताया था कि पहले हम जनरल करते हैं एंड देन वी मेक द लेजर एंड देन वी मेक द टारगेट्स। ठीक है, तो दैट इज हाउ वी मेक द अकाउंटिंग। हमारी जो अकाउंटिंग होती है वो कुछ इस ढंग से होती है, पहले हम जनरल, फिर लेजर एंड देन द टारगेट्स। उसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। दो तीन चीजें आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये कनेक्टेड है, इसलिए मैं आपको एक साथ ले रहा हूँ। तो मैंने आपको जर्नल लेजर जो बताया था उसी से कनेक्टेड एक चीज, मान लीजिए मेरा एक ट्रांजेक्शन है जर्नल के अंदर, ये जर्नल है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख। तो दूसरी ट्रांजेक्शन है मेरा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, $20,000। मैं कुछ लिमिटेड ट्रांजेक्शन लूंगा, बाकी दैट अप्लाइज टू ऑल द ट्रांजेक्शन ऑल्सो, क्योंकि मैं आप स्क्रीन पे सारे ट्रांजेक्शन एक साथ नहीं दिखा पा रहा। फिर हमने क्रेडिट में गुड्स खरीदे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, $12,000। फिर दूसरी एंट्री मेरी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, $16,000। और एक एक्सपेंस का ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, सपोज सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, $3,000। ये हमारे कुछ ट्रांजेक्शन्स। फिर हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को लिखने के बाद में हम सबका लेजर अकाउंट बनाते हैं, सबका, कैश अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट का, मशीनरी का, परचेजेस का, डेटर का, सेल्स का और सैलरीज का। तो कैश अकाउंट के डेबिट में अपन ने लिखा है, हमारी एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश के डेबिट में हम क्या लिखते हैं, टू कैपिटल 1 लाख।
और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे हम बाय कैश। मैंने कल आपको बताया था डेबिट में हम टू लिखते हैं, क्रेडिट में बाय लिखते हैं। बाय यस सर, कैश 1 लाख रुपीज। तो ये जो जनरल एंट्री है हम इसकी लेजर में इस तरह से पोस्टिंग करते हैं, ये लेजर में लिखने को कहते हैं लेजर पोस्टिंग। ये जो मैं भी लिख रहा हूं आपके सामने इसको मैं बोलता हूँ लेजर पोस्टिंग। लेजर में पोस्ट करना, कैश अकाउंट को डेबिट करना है, कैपिटल को क्रेडिट करना, लाइक दैट विल डू इट। नेक्स्ट इज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। तो मशीनरी के डेबिट में टू कैश 20,000 और मशीनरी अकाउंट डेबिट में टू कैश आ गया। कैश क्रेडिट कर दिया, मशीनरी डेबिट हो रहा है तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 20,000 से तो कैश के क्रेडिट में 20 लिखेंगे और हम यहां पे लिख देते हैं बाय मशीनरी। तो ये सेकेंड एंट्री की लेजर पोस्टिंग हम ऐसे करते हैं। फिर दूसरी हमारी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसके डेबिट में हम लिखेंगे टू क्रेडिटर 12,000। और क्रेडिटर के अकाउंट के, अब क्रेडिटर अकाउंट की तो मेरे पास स्पेस नहीं बची है तो मैं क्रेडिटर का अकाउंट नेक्स्ट पेज पे खोल देता हूँ। ये क्रेडिटर का अकाउंट है तो यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो उसके डेबिट, तो क्रेडिटर अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिखूंगा 12,000 और यहां लिखूंगा बाय परचेजेस। तो ये जर्नल का इस ढंग से लेजर में हम पोस्टिंग करेंगे। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो डेटर अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स कितना 16,000। और ये जो सेल्स अकाउंट है इसके क्रेडिट, सेल्स अकाउंट तो यही है शायद, हाँ ये सेल्स, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में बिकॉज सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो उसके क्रेडिट में बाय डेटर कितना 16,000। तो इस ढंग से हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। लास्ट एंट्री कौन सी, सैलरीज टू कैश। तो सैलरी अकाउंट के डेबिट में टू कैश 3,000 और कैश अकाउंट के क्रेडिट में, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसके क्रेडिट में बाय सैलरीज 3,000। ऐसे हम पोस्टिंग करें। ये आपको सबको जर्नल से लेजर पोस्टिंग समझ में आ गई कि नहीं आ गई पहले तो ये बताइए। Everybody understood how the ledger posting is done? किसी को इसमें doubt है, confusion है तो पूछिए मेरे से। भाई किसी को बोलना पड़ेगा हाँ या ना। Yes sir, आ गई। अब ये सब ledger posting करने के बाद मैंने आपको बताया था balancing किया जाएगा accounts। सब accounts को हम balance करें। Balance करना है मतलब difference निकालें और जो side short होगी उधर balance carry down लिखेंगे। तो ये परचेज अकाउंट के डेबिट बैलेंस है तो इसके क्रेडिट में मैं लिखूंगा बाय बैलेंस खरीद डाउन दैट इज 12,000। तो परचेज अकाउंट क्लोज हो गया सर। ये वाली स्टेप वापस समझा देने एक बार। ओके देखिए बेटा क्या होता है कि जब भी हम कोई लेजर अकाउंट बनाते हैं ना, जब भी हम कोई लेजर अकाउंट बनाते, लेजर अकाउंट बनाने के बाद कभी भी लेजर अकाउंट को हम, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे कैश अकाउंट बनाया तो सपोज कैश अकाउंट में यहाँ पे कोई एंट्री है, यहाँ पे कोई एंट्री है, यहाँ पे कोई एंट्री है, अब हमको इसके बैलेंस दे, अभी हम ऐसे नहीं छोड़ते, हम उसका बैलेंस निकालते। बैलेंस क्या मतलब होता है, डिफरेंस, डिफरेंस निकाल। डिफरेंस का मतलब दोनों साइड का टोटल करते हैं रफ में और फिर देखते हैं। इस साइड का अगर मैं टोटल करूं तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,45,000, क्रेडिट साइड का टोटल है 31,000। इसका मतलब डेबिट साइड जो है हमारी 1,14,000 से ज्यादा है। डेबिट साइड इज मोर बाय 1 लाख। तो मैं क्रेडिट साइड में क्या करूंगा, बाय बैलेंस करी डाउन 1,14,000 लिख दूंगा। इससे क्या होगा, मेरा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल हो जाएगा। ये टोटल हो जाएगा 145 और ये टोटल हो जाएगा मेरा 145। तो हम जब भी अकाउंट को बनाते हैं
हमेशा अकाउंट को बैलेंस करके रखते हैं। और ये जो बैलेंसिंग की जाती है किस दिन की जाती है, ये की जाती है लास्ट डे ऑफ द मंथ, जिस महीने के भी ट्रांजेक्शन है उस महीने के लास्ट डे। लेकिन ये बैलेंस बताता है, ये बैलेंस कुछ इंडिकेट करता है, बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है अकाउंट्स। ये बैलेंस क्या बताता है, बैलेंस हमें ये बता रहा है कि कैश के अंदर 1,45,000 आए और 31,000 चले गए। 1,45,000 आए और उसमें से 31,000 हमने दे दिए, तो हमारे पास 1,14,000 बच गए। कब बच गए, इस महीने के आखिर में। सपोज ये मंथ जो है हमारा 31 मार्च 2021, फिर ये जो बैलेंस है ये हम बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये सीडी का मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ बैले, मैंने ये लिखा बैले, इसका मतलब क्या होता है, बैलेंस कैरीड डाउन, इसका मतलब होता है बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंस हम कैरी डाउन कर दिए, आगे ले गए, शॉर्ट में हम लिख देते हैं सीडी, बैलेंस कैरी डाउन। और ये जो बैलेंस कैरी डाउन है यहां पर, ये बैलेंस नेक्स्ट डेट पर ब्रॉड डाउन हो जाता है, तो इसको हम लिखते हैं, जब ये क्रेडिट में तो बाय लिखेंगे, डेबिट में हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बीडी, तो बीडी का मतलब होता है हमारा ब्रॉड डाउन, बैलेंस बीडी का मतलब होता है ब्रॉट डाउन, नीचे लाए, नीचे लाए। तो ये क्या दिखा रहा है हमें, ये दिखा रहा है कि 31 मार्च को हमारे पास 1,14,000 कैश में थे, और जब 1 अप्रैल 21 अगले दिन हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, दुकान खोली, शटर उठाया, अगरबत्ती वगैरह लगाई भगवान को और पूजा उजा करके दुकान पे बैठे, तो उस समय हमारे पास कैश के अंदर कल के बचे हुए 1,14,000 रुपए थे। ये कल के बचे हुए पैसे थे जो हमारे पास कैश में थे, इसका मतलब ये होता है। तो बैलेंस हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कैरी डाउन बैलेंस 1,14,000 है और ये ब्रॉड डाउन बैलेंस हो गया 1,14,000। तो हर लेजर अकाउंट का हम इस ढंग से कैरी डाउन ब्रॉड डाउन करते हैं, कुछ इसके एक्सेप्शन है, नॉर्मल अकाउंट में नहीं करते, लेकिन वो बात हम बाद में करेंगे। अभी आप ये मानिए कि आपको जो लेजर अकाउंट बनाना है, आप लेजर अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद हम दोनों अकाउंट्स के दोनों साइड का डिफरेंस निकालते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड का, और जो डेबिट साइड क्रेडिट साइड का डिफरेंस होता है और जो साइड शॉर्ट होती कम होती, उस साइड हम बैलेंस क्रेडिट डाउन लिख देते हैं, और बैलेंस क्रेडिट डाउन लिखकर हम दोनों साइड को इक्वल कर देते हैं। दोनों साइड को जब हम इक्वल कर देते हैं उसके बाद वो क्रेडिट डाउन कब करते हैं, लास्ट डे पे करते हैं, और उसके बाद वो बैलेंस फिर नेक्स्ट डे पे अगले महीने की 1 तारीख, और हम लास्ट डे पे करते हैं तो अगले महीने की 1 तारीख आएगी अगला दिन, तो नेक्स्ट डे हम उसको बैलेंस को ब्रॉड डाउन कर देते हैं। दिस इज हाउ वी डू इट। तो हर लेजर अकाउंट के साथ ऐसा किया जाता है, हर अकाउंट का बैलेंस निकाला जाता है। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, उसको मैं आगे डिस्कशन को ले जाता हूं। मैंने आपसे कहा था कि हर अकाउंट का जब बैलेंस निकाला जाता है, कोई भी अकाउंट, तो जो बैलेंस है, बैलेंस को मैं एक बार रिव्यू कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है। बैलेंस का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, इसको हम बैलेंस करते हैं, एक बात, दिस इज वन। दूसरी चीज, बैलेंस कैरी डाउन रिटर्न ऑन साइड Which is short. जो साइड कम होती है उस साइड लिखते हैं कैरी डाउन बैलेंस, ठीक है, दिस इज वन थिंग। तो नेचुरली जब हम कैरी, और कब लिखते हैं ये, ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ, लास्ट डे ऑफ द मंथ, उस महीने के आखिरी दिन। और ये जो बैलेंस है ये फिर बैलेंस ब्रॉड डाउन भी हो जाता है, कब हो जाता है, ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब जस्ट अगले दिन। आज अगर मैं कैरी डाउन कर रहा हूं, कब, 10th of August को, वैसे हम मंथ के एंड में करते हैं नॉर्मली, मान लो आज करें तो 19th August को वो बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा, तो ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले दिन, जस्ट नेक्स्ट, तो ये जस्ट नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट, बिल्कुल नेक्स्ट ब्रॉड डाउन हो जाता,
और ये क्या इंडिकेट करता है, ये दिखाता है कल कितना अमाउंट इस अकाउंट के अंदर बचा था जो आज हम यूज करेंगे। मैं एक और एग्जांपल देके इस बात को समझाता हूँ। सपोज हमारे पास मशीनरी है, वी हैव अ मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में क्या होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड जो होती है डेबिट साइड होती है, आप तो जानते हैं डेबिट साइड, मशीनरी खरीदते हैं तो डेबिट करते हैं, मशीनरी बेचते हैं तो क्रेडिट करते हैं, हर लेजर। अच्छा ये चीज और आपको मैं बता देता हूँ, जो लेजर अकाउंट हम बनाते हैं, लेजर अकाउंट टी अकाउंट के फॉर्मेट में बनता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड होती है हमारी डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है हमारी क्रेडिट साइड। जब भी हम किसी अकाउंट को डेबिट करते हैं तो उसके डेबिट साइड में लिखेंगे, जब भी हम क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो नेचुरली जब मशीनरी है, मशीनरी अकाउंट है, तो जब मशीनरी खरीदते हैं तो मशीनरी डेबिट होती है। हमने 50,000 की मशीनरी खरीदी तो हमने 50,000 की मशीनरी को डेबिट कर दिया। सपोज इसमें से 20,000 की मशीनरी हमने बेच दी, हमारे काम की नहीं थी या खराब थी और व्हाटएवर, बेच दी, तो 20,000 हम माइनस कर देंगे। तो अब मैं जब बैलेंस निकालूंगा तो बैलेंस क्या बताएगा, बैलेंस बताएगा कि 30,000 की मशीनरी बच रही है अभी, 50 की खरीदी थी, 20 की बेच दी, 30 की बच रही। ये जो करीट डाउन है ये अगले दिन बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो मतलब जब अगला दिन हमारा बिजनेस होगा तो उस दिन हम बताएंगे कि हमारे पास 30,000 की मशीनरी अभी भी बुक्स में है। ये कब की है, कल की बची हुई 30,000 मशीनरी। तो आज जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो कल की 30,000 की बची हुई मशीनरी को मैं यूज करते हुए कर रहा हूँ। ये कैश के साथ भी होता है, ये बैंक के साथ भी होता है, ये हर एसेट्स के साथ होता है, हर लाइबिलिटी के साथ होता है। लाइबिलिटी भी कल के पैसा देना था नहीं दिया तो वो लाइबिलिटी कल कैरी डाउन होकर आज ब्रॉट डाउन हो जाएगी, तो कल नहीं दिया भाई आज देना पड़ेगा। हर चीज के साथ होता है। तो ऐसे हर अकाउंट एक मंथ से नेक्स्ट मंथ कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन होता है, तो ये ऐसे चलता रहता है। तो हम ब्रॉट डाउन करते हैं, तो ये जैसे ये अकाउंट है तो इस अकाउंट का बैलेंस, हर अकाउंट का हम बैलेंस निकालते हैं। तो मैं एक चीज यहाँ पे करके फिर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट इसके साथ समझाना। तो ये अकाउंट है, सारे हमने जर्नल बनाया, जर्नल के बाद लेजर पोस्टिंग करती, फिर हम बैलेंस निकालेंगे। इसका डेबिट साइड ज्यादा है, लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे मैं क्रेडिट में लिखूंगा बाय बैलेंस खरीदा। 1 लाख में से 23 घटाया तो 77,000। तो ये अकाउंट क्या बता रहा है, ये बता रहा है कैश के अंदर 77,000 बचे हैं। कैपिटल का बैलेंस निकालूंगा तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट डाउन आ जाएगा 1 लाख रुपीज। ये अकाउंट मेरा बंद। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट डाउन करूंगा तो आ जाएगा 20,000। तो ये अकाउंट बंद। परचेज अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट डाउन करूंगा तो आ जाएगा 12,000। ये अकाउंट बंद। डेटर अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट डाउन करूंगा तो आ जाएगा 16,000। तो ये अकाउंट एक तरह से टेम्पररी बंद। सेल्स अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट डाउन करूंगा तो इधर लिखूंगा डेबिट साइड, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो बैलेंस क्रेडिट डाउन डेबिट में लिखूंगा 16,000। सैलरी अकाउंट का डेबिट साइड डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट में लिखूंगा बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 3,000। ऐसे अब बताइए यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए मेरे से। नो सर। सर हाँ सर, डेटर साइड में 2 बैलेंस क्रेडिट डाउन नहीं आएगा? ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन आएगा, मैंने लिखा नहीं है, बताओ जो क्रेडिट डाउन है तो ऑब्वियसली ब्रॉट डाउन तो आएगा। ओके सर। हाँ बोलिए, कोई कुछ पूछ रहा था? सर यदि इसमें कोई से भी अकाउंट में यदि दोनों तरफ मतलब बैलेंस नहीं है, सपोज मैंने मशीनरी 20,000 की है और 20,000 की मशीनरी बेच दी, तो इसका मतलब मेरे पास मशीनरी बची नहीं, जीरो। मशीनरी 20,000 की थी और बाद में मैंने मशीनरी 20,000 की बेच दी, तो सर इसमें अकाउंट क्लोज नहीं करेंगे? वो क्लोज ही हो गया ना अपने आप। यहाँ तो बाय कैश अगर मैं 20,000 लिख देता हूँ तो इसके अंदर तो बैलेंस आएगा नहीं ना, तो अकाउंट तो बंद ही हो गया ना, इसमें कुछ बचा ही नहीं। तो जब नेक्स्ट डे अगला दिन स्टार्ट होगा तो मेरे पास मशीनरी नहीं है, मशीनरी थी खत्म, पिछले महीने खत्म हो गया, पर तो है ही नहीं मशीन, बाकी सबका बैलेंस क्रेडिट डाउन होगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट बताया, क्रेडिटर अकाउंट का भी बैलेंस क्रेडिट डाउन होता है, और जैसा कि आप वो राशि कह रही है क्रेडिट डाउन हुआ तो नेक्स्ट डेट पे ये ब्रॉट डाउन भी हो जाएगा। क्रेडिट डाउन हुआ, ब्रॉट डाउन भी हो जाएगा। तो ये क्या दिखा रहा है, सपोज मैंने क्रेडिट डाउन किया 31 मार्च को, मतलब मैं कह रहा हूँ 31 मार्च को मुझे क्रेडिटर को 12,000 रुपए देने थे जो मैंने दिए नहीं थे, तभी तो बैलेंस आ रहा है।
अब मैं देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपको समझना चाहिए। मैं आपको एक एक बनाता हूँ, एक सेकंड मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। सपोज मैं क्रेडिटर का अकाउंट बना, आप इस चीज को समझे, मैं एक क्रेडिटर का अकाउंट बना रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉन्सेप्ट है, इससे कई सारी चीजें समझ में आती है। ये मैंने क्रेडिटर का अकाउंट बनाया, मैंने क्रेडिटर के अकाउंट के अंदर लायबिलिटी है, आपने टी अकाउंट्स में देखा है, इसका प्लस साइड कौन सा होता है ये बताइए मेरे को, क्रेडिटर का सर राइट साइड। तो क्रेडिट साइड जो होता है ये प्लस साइड होता है और डेबिट साइड जो होता है माइनस साइड। इसके अंदर किसी को कंफ्यूजन है क्या, पूछ लीजिए मेरे से। मेरे ख्याल से ये सबको यहाँ पे मालूम है ना कि क्रेडिटर का राइट साइड प्लस होता है, डेबिट साइड माइनस होता है, ये तो मालूम है ना, इज दैट ओके? यस सर। अब मैं मान लीजिए यहाँ पे मैंने गुड्स खरीदे तो मैंने एंट्री कर दी परचेजेस, जब मैं गुड्स खरीदता हूँ तो लायबिलिटी मेरी बढ़ती है, तो परचेजेस कितने से 10,000। मैं डेट नहीं लिख रहा हूँ, डेट अभी हम जो समझा रहा हूँ उसके डेट इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए डेट नहीं लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि डेट लिखते नहीं, लिखते हैं। मैंने इसके अंदर आपको पहले बताया था इसमें चार कॉलम होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड चार कॉलम होते हैं, चार सौ कॉलम नहीं बनाए क्योंकि वो हमारे इंपॉर्टेंट है नहीं, हमको तो समझना है फॉर्मेट को, तो फॉर्मेट वॉर्मेट तो सजना धजना होता रहेगा। फिर हमने और गुड्स खरीदे क्रेडिटर से 8,000। अब ये अकाउंट क्या कह रहा है, ये अकाउंट पता है आपसे क्या कह रहा है, ये अकाउंट आपसे कह रहा है कि क्रेडिटर का, अब मैं यहाँ पे जब आपको प्लस माइनस मालूम है तो मैं प्लस माइनस हटा देता हूँ क्योंकि आपको मालूम एक्सपेक्टेड है कि आपको मालूम है, हम लिखते नहीं है क्योंकि एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चे को मालूम है। तो ये 18,000 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट साइड में तो कुछ है ही नहीं। तो अगर मैं इस अकाउंट का बैलेंस निकालूंगा तो इस अकाउंट का बैलेंस आएगा 18,000। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि क्रेडिटर अकाउंट का, अगर इसको पता है अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इस अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोलेंगे क्रेडिटर अकाउंट का बैलेंस 18,000। इसका मतलब ये है कि आपको क्रेडिटर को, अब आपको ये समझ में, अच्छा उस पॉइंट पे मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे एक बार ऐसा करता हूँ, एक चीज लिख देता हूँ अभी के लिए फिलहाल, मैं उस पॉइंट पे थोड़ा रुक के आता हूँ कि क्रेडिटर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 18,000। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, भले ही हम क्रेडिट डाउन लिख रहे हैं डेबिट साइड, लेकिन वो क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। तो मैं ये क्या कह रहा हूँ, क्रेडिटर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 18,000। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिटर को आपको 18,000 देने हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब यही है, ये आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस 18,000 है, मतलब क्रेडिटर का जो लेजर में अकाउंट है वो क्रेडिट साइड 18,000 से ज्यादा है, मतलब क्रेडिटर को 18,000 रुपए देने हैं। ये इतने कहानी आपको बताने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। अगर आपसे कहा जाए क्रेडिटर का एक क्रेडिट बैलेंस है 18,000 का और आपसे पूछा जाए क्रेडिटर को कितने पैसे देने हैं, देने हैं कि लेने हैं, तो आपका आंसर निकलना चाहिए देने हैं। कितना देने हैं, 18,000। तो ये इमेज, ये 18,000 आया कैसे, ये आया क्रेडिटर के अकाउंट से, उसका अकाउंट का क्रेडिट साइड 18,000 से ज्यादा होगा। ये इमेज आपके दिमाग में अपने आप बन जानी चाहिए, ऐसा 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 अकाउंट। यहां पर मैं एक चीज और आपको क्लियर कर, अगर मैंने क्रेडिटर को 5,000 रुपए दे दिए टू बैंक, जब क्रेडिटर को हम देते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट में टू बैंक लिखेंगे 5,000। तो अब मैं बैलेंस निकालूंगा, सपोज ये बैलेंस मैंने 31 मार्च को निकाला, बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना 13,000। तो ये क्या अकाउंट बता रहा है, अभी 13,000 देने बाकी है, कब तक देने थे, 31 मार्च को देने थे, नहीं दिए। जब 31 मार्च को नहीं दिए, और ये 31 मार्च मतलब कौन सा, 31 मार्च को अगर मेरी दुकान का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक है, तो पता है ये जब मैं लिखता हूँ क्रेडिट डाउन 31 मार्च, इसका मतलब शाम को 8 बजे तक तो नहीं दिए गए थे, इसका मतलब इम्प्लाइड टाइम नहीं लिखा जाता लेकिन ये माना जाता, 31 मार्च को बैलेंस है 13,000, इसका मतलब 31 मार्च मतलब क्या, मंथ का आखिरी दिन, मंथ का आखिरी दिन है, मतलब मंथ के आखिरी दिन में, आखिरी दिन कब तक बिजनेस किया, 8 बजे तक किया, 8 बजे तक हम धंधा हम कर रहे थे, अपना पेमेंट ले रहे थे, पेमेंट दे रहे थे, सामान खरीद रहे थे, सामान बेच रहे थे, 8 बजे हमने दुकान को मंगल किया,
है ना, हाँ, और वो करके हम घर चले गए खाना खाने, या हम चले गए पार्टी मनाने, या हम चले गए कहीं पे घूमने, जो भी किया। 8 बजे तक हमारा बिजनेस चल रहा था, तो 8 बजे तक नहीं दिए थे। तो जब मैं 1 तारीख को बिजनेस खोलूंगा अपना, 31 मार्च के बाद अगला दिन तो 1 अप्रैल ही आएगा ना, तो ये 13,000 जो नहीं दिए थे ये यहां तक चले आएंगे, ये हो जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये 12-13 हजार, ये अकाउंट क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कल के 13,000 जो बचे हुए थे वो अभी भी बचे हुए, अभी तक दिए नहीं गए। और ये आप मान के चलिए कि अगर मैं यहाँ पर 1 तारीख डाल रहा हूं, तो ये 1 तारीख की शाम नहीं है, 1 तारीख की सुबह का टाइम है इसका, मतलब सुबह 10 बजे इतना था। हो सकता है 1 तारीख को दोपहर में मैं उसको 13,000 रुपए दे दू, लेकिन जब 1 तारीख को मैंने दुकान अपनी शटर उठाया था, अगरबत्ती लगाई थी, हाथ पाथ जोड़े थे और फूलमाला चढ़ाई थी, और नया साल 1 अप्रैल को तो नया साल स्टार्ट होता है हमारे इंडिया में, न्यू अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है, तो नया अकाउंटिंग ईयर मनाया कि अच्छा साल बीते हमारा, ठीक है। और उस समय 13,000 रुपए हमको देने बाकी थे, हो सकता है मैं 2 घंटे बाद दे दू, 15 मिनट बाद दे दू, लेकिन 1 तारीख को सुबह सुबह जब मैंने अपना दुकान ओपन की थी, बिजनेस स्टार्ट किया था, बिजनेस उस समय तो बचे थे। इसका मतलब सिर्फ ये होता है, तो कैरी डाउन ब्रॉड डाउन का इम्प्लीकेशन ये होता है। मैं आपको इतना जो समझा रहा हूँ इसको समझिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें कई बार बच्चों को कंफ्यूज करती है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सही हुआ, अगर मैं आपसे कहता हूं कि क्रेडिटर अकाउंट का जो बैलेंस है ये क्रेडिट बैलेंस है 18,000 31 मार्च को, इसका मतलब 31 मार्च को आखिरी ट्रांजेक्शन दुकान या बिजनेस को बंद एग्जैक्ट करते समय, मतलब शाम को 10 बजे 8 बजे बंद करें तो 8, रात को 10 बजे बंद करते तो रात को 10 बजे, हमारा होटल है साहब रात को 11 बजे तक चलता है, तो रात के 11 पूरी रात चलता है, अगले दिन सुबह तक चलता है, तो भैया एक टाइम को डिसाइड करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है, एक टाइम डिसाइड करो, रात के 12 बजे डिसाइड करो, कुछ तो करो, वो टाइम डिसाइड करो उतने बजे। और अगर मैं कहता हूं ये क्रेडिट बैलेंस 1 अप्रैल 2021 को है, इसका मतलब 1 अप्रैल 2021 को सुबह सुबह का बैलेंस है, ये दिन भर तो बदल सकता है बैलेंस, है ना, कितना पेमेंट आया कितना गया कुछ भी हो सकता है, तो 1 अप्रैल का बैलेंस का मतलब है उस दिन के सुबह का बैलेंस। तो अगर वो 1 तारीख है तो सुबह का बैलेंस, और मंथ के आखिरी डेट है तो शाम का, ऐसा माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बैलेंस 31 मार्च को है वही बैलेंस 1 अप्रैल को भी होगा। अगर हमारे पास कैश 31 मार्च को रात को जब मैं हाथ पाथ जोड़कर दुकान से गया और मेरे दुकान के अंदर 30,525 रुपए 15 पैसे पड़े थे तिजोरी के अंदर, तो जब मैं 1 तारीख को आऊंगा सुबह दुकान खोलूंगा तो मेरी तिजोरी में 30,525 रुपए 15 पैसे पड़े मिलने चाहिए, अगर रात भर चोरी नहीं हुई तो रात भर चोरी तो हम मान के नहीं चलते कि चोरी हो गया, हम तो मान के चलते हैं दुनिया अच्छी राम राज्य चल रहा है, कोई चोरी चकारी नहीं होती, तो ये इतना सेम पैसा मिलता है। इसका मतलब 31 मार्च का जो बैलेंस है वो 1 अप्रैल के बैलेंस के बराबर होगा हमेशा, इसका मतलब जो 31 दिसंबर का बैलेंस है वो 1 जनवरी के बराबर होगा हमेशा, इसका मतलब है जो हमारे पास 30 अप्रैल का बैलेंस होगा वो 1 मई का बैलेंस होगा, जो भी आखिरी व्हाट एवर इट इज। कोई क्वेश्चन है तो पूछे। नो सर। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी कि अकाउंट्स के अंदर जब हम बैलेंस निकालते हैं तो बैलेंस महीने के आखिरी में निकालते हैं और सेम बैलेंस अगले महीने के स्टार्टिंग में होता है। और दूसरी चीज जो अभी मैंने आपको बताई कि अकाउंट्स के अंदर जब हम बैलेंस करते हैं तो जो बैलेंस कैरी डाउन करते हैं उतना ही अमाउंट नेक्स्ट अगले दिन बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाता है। यहां पर एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे कि कैरी डाउन तो मैं क्रेडिट साइड लिख रहा हूँ, ब्रॉट डाउन में डेबिट साइड लिख रहा हूँ। अरे यार सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ मैं जब भी कोई अकाउंट बनाता हूं, जब मुझे उस अकाउंट को क्लोज करना है तो मुझे उन दोनों साइड को बराबर करना है। बराबर मतलब अगर डेबिट साइड में 30,000 रुपए हैं, डेबिट साइड में 7,000 रुपए, क्रेडिट साइड में 14,000, मुझे इन दोनों को बराबर करना है। बराबर करना है मतलब मैं यहाँ पे
23,000 का बैलेंस क्रेडिट डाउन अगर लिख दूंगा तो दोनों साइड बराबर हो जाएगी। तो मैं जब अकाउंट को बंद कर रहा हूं तो बैलेंस जो है वो जो साइड शॉर्ट होती है उस साइड लिखता हूं, लेकिन जब उस अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन लाता हूं तो वो उस साइड आ जाता है जो साइड बड़ी होती है या लार्जर होती है, उस साइड आ जाता है। तो ये ऐसा हर अकाउंट के साथ होता है। क्रेडिट डाउन उधर लिखना है जो साइड शॉर्ट है और ब्रॉट डाउन उधर लिखना है जो साइड बड़ी। यहां पर एक बात और समझने की है बहुत जरूरी, इसकी ब्यूटी जो है ना, ये जो सिस्टम है ना, ये कितना शानदार सिस्टम बनाया है जिन लोगों ने अकाउंट सोच के बनाया, मतलब गजब ही बनाया, गजब बनाया। मतलब मैं कई बार सोचता हूँ क्या दिमाग है भाई। अच्छा, दूसरी चीज की खास बात एक और है, ये बैलेंस भले ही मैंने क्रेडिट साइड लिखा है लेकिन डेबिट साइड ज्यादा थी ना, मैंने कल भी बताया था, तो ये बैलेंस जो है क्रेडिट जो लिखा है 23,000, इस अकाउंट का जो बैलेंस है 23,000, ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा। डेबिट क्यों कहलाया? डेबिट साइड ज्यादा है इसलिए कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम अकाउंट को क्लोज करते हैं तो जो डेबिट बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, और जब हम अकाउंट को ओपन करते हैं अगले दिन तो जो डेबिट बैलेंस है वो वापस डेबिट साइड में आ जाएगा। घर रात का भूला घर, सुबह अपने घर वापस, ठीक, रात का भूला अपने घर सुबह, ऐसे कुछ कहावत है ना, मुझे शब्द एग्जैक्टली याद नहीं, तो वैसे। तो डेबिट बैलेंस क्लोज होते समय क्रेडिट में और ओपन होते समय वापस डेबिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने आपके सामने अकाउंट्स दिखाए हैं, ये जो बैलेंस क्रेडिट डाउन दिखाया है, क्रेडिट, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड ज्यादा है लेकिन क्लोज करने के लिए डेबिट साइड में लिखा, और जब बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे तो वापस क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहां पर ये जितने अकाउंट्स मैंने बनाए आपके सामने, ये जितने अकाउंट, इसका ये क्रेडिट बैलेंस इधर, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर आएगा, ये क्रेडिट डाउन, ये ब्रॉट डाउन इधर आएगा, ये तो क्लोज ही कर दिया एक बार मैंने, ये क्रेडिट डाउन, ये ब्रॉट डाउन इधर आएगा, 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 ऐसे बैलेंस होता है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट्स, एनीथिंग, कुछ भी क्वेश्चन आ रहा हो तो पूछिए दिमाग। नो सर। सर मैं जिस साइड क्रेडिट कैरेट डाउन होगा सर उसके अपोजिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा। ऑब्वियसली इसका मतलब ये हुआ कि जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है उसका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखेंगे और ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखेंगे, ये बताया मैंने। मतलब डेबिट साइड ही ब्रॉट डाउन होगा। हाँ, जिसका जिसका डेबिट बैलेंस है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड ही होगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, और सर हाँ, जैसे मतलब क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है तो जो ब्रॉट डाउन होगा वो फिर क्रेडिट साइड में होगा ना? नहीं नहीं, क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है ऐसा तुम, ये स्टेटमेंट गलत है तुम्हारा आदित्य। अगर तुम ऐसा कह रहे हो कि कोई अकाउंट है उसका क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, बैलेंस ज्यादा थोड़ी होता है, बैलेंस तो डिफरेंस ही होता है ना, किसी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है ऐसा बोलो। बात समझ में आई कि आदित्य मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? यस सर, यस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा, टोटल ज्यादा, टोटल ज्यादा, किसी तुम ये बोलो किसी साइड का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा। जैसे ये अकाउंट है, इस अकाउंट में 30,000 यहाँ लिखा है और 15,000 इधर लिखा है और 12,000 इधर लिखा है, 12, और इधर लिखा है 16,000 बस। अब आदित्य ये बताओ इस अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? क्रेडिट साइड कितने रुपए से ज्यादा है? 41,000। तो मैं ये कहूंगा आदित्य इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है लेकिन बैलेंस क्रेडिट डाउन जब मैं लिखूंगा तो डेबिट साइड ही तो लिखूंगा। क्यों लिखूंगा डेबिट साइड? क्योंकि डेबिट साइड शॉर्ट है, और मैंने बताया बैलेंस लिखने का पर्पस क्या होता है, दोनों साइड का टोटल इक्वल करना।
तो दोनों साइड का टोटल इक्वल हो गया। आदित्य ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ यार। तो जिस अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस क्रेडिट डाउन में डेबिट साइड ही तो लिखूंगा तब जाके बार। अब जब ये बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा तो ये वापस क्रेडिट साइड आ जाएगा। यार सर, हाँ बोलो सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है क्रेडिट वो कैरिड डाउन में ब्रॉड डाउन में। हाँ तो एक तो आप एक काम करो, इसको वीडियो ऑन करके क्लास में आओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए कि क्रेडिट साइड का टोटल कितना है। सर क्रेडिट साइड का टोटल 57,000 है और डेबिट साइड का टोटल कितना है। 16,000 है। तो कौन से साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो इस अकाउंट का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 57 माइनस 16 सर 41,000। तो मैं बोलूंगा इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 41,000। पहले तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। सर ये तो समझ में आया। कितना समझ में आया, तो मैं चेक कर लूं समझ में आया कि नहीं आया। एक अकाउंट और दे रहा हूं मी का। इस अकाउंट के डेबिट में लिखा है 13,000, 17,000, 6,000 और 4,000 और क्रेडिट साइड में लिखा है 10,000। अब मी का बताइए इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है और है तो कितना है। सर इसका डेबिट बैलेंस है और वो है 60,000। नहीं, डेबिट साइड का टोटल बताओ कितना हो रहा है। 13, 17, 6 and 4 so 40,000। तो डेबिट साइड का टोटल है 40,000 और मी का क्रेडिट साइड का टोटल कितना है। 10,000 है। तो 40,000 में से 10,000 घटाओ 30,000 तो इस अकाउंट का 30,000 बैलेंस है। अब ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है मी का। सर ये जो बैलेंस है मतलब हाँ ये जो अकाउंट है ये तो डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है क्यों है, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। अब ये इतना समझना है। अब इस अकाउंट को मुझे क्लोज करना है, बैलेंस निकालना है। तो इस अकाउंट का तुमने अभी मुझे बताया क्रेडिट बैलेंस है 41। तो मैं क्या करूंगा, बैलेंस क्रेडिट डाउन जब लिखूंगा तो डेबिट साइड में लिखूंगा टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 41,000। ये 41 जब मैं डेबिट साइड में लिख दूंगा मी का, दोनों साइड का टोटल बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हो जाएगा सर। बस यही तो करना होता है। और ये जो बैलेंस है 41,000 का, ये बैलेंस इधर उतर के आएगा, इसको मैं इधर लिखूंगा बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 41,000। यस सर ठीक है। मतलब ये जितना अमाउंट है उतना ही अमाउंट लिखना है। ये डेबिट साइड में लिखा ना क्रेडिट साइड क्रेडिट डाउन, तो क्रेडिट साइड में लिखना है 41,000 ब्रॉड डाउन। यस सर। इधर लिखा है क्रेडिट डाउन तो इधर हो जाएगा ब्रॉड डाउन। इज दैट ओके। अब इस अकाउंट को बताओ, ये अकाउंट है, इसका मुझे इस अकाउंट को क्लोज करना है, तो बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना है और किधर लिखूंगा, डेबिट साइड में लिखूंगा कि क्रेडिट साइड में लिखूंगा। सर बैलेंस कैरिड डाउन ऑफ क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 30,000। और इस साइड का टोटल यहाँ पे टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 30,000 आएगा ना ब्रॉड डाउन, फिर यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन डेबिट साइड में 30,000। हाँ वही मतलब डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा। ठीक है, इज दैट ओके। अब यहाँ पे एक चीज और समझनी बहुत जरूरी है, वो समझना जरूरी है कि हमने देखा था कि हमारे पांच तरह के अकाउंट्स होते हैं, एसेट्स प्लस एक्सपेंस, चलो ड्रॉइंग्स भी ले लेता हूं, इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। ये बात तो इतनी तो क्लियर है सबको, हमारे अकाउंटिंग क्वेश्चन में हमने yes. और ये भी हमने क्या है कि एसेट एक्सपेंस ड्रॉइंग का जो अकाउंट होता है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है डेबिट साइड प्लस होता है और क्रेडिट साइड माइनस होता है, ये बताया आपको। यस सर। यस सर। अच्छा, लायबिलिटीज कैपिटल और रेवेन्यू का डेबिट साइड जो होता है वो माइनस होता है और क्रेडिट साइड प्लस होता है, ये भी बताया मैंने आपको। यस सर। यहाँ पर एक और बहुत खूबसूरत सी चीज है, कमाल की बात है अकाउंट्स के अंदर, अमेजिंग। ये वो कहते हैं कि इन केसेस इन सारे अकाउंट्स के अंदर हमेशा इन सब का डेबिट बैलेंस ही होगा, डेबिट बैलेंस ही होगा। मतलब ये अगर कोई भी अकाउंट एसेट है एक्सपेंस है या ड्रॉइंग्स है तो उसका हमेशा हमेशा डेबिट साइड ही ज्यादा होगा।
इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कोई अकाउंट एसेट एक्सपेंस या ड्रॉइंग का बना रहा हूँ और उस अकाउंट के अमाउंट्स डेबिट में लिखे क्रेडिट में लिखे, तो ये हमेशा ऐसा होगा कि बैलेंस क्रेडिट डाउन जो है वो आपको क्रेडिट साइड में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इनका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। और जब इसको ब्रॉड डाउन करोगे तो आपको डेबिट साइड में ब्रॉड डाउन करना पड़ेगा। ऐसा हमेशा एसेट एक्सपेंस और ड्रॉइंग्स के केस में होगा। आप करके देख लो, कोई केस ऐसा मिलेगा ही नहीं कि कभी भी क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। ऐसा क्यों होगा उस बात पे मैं आता हूं। इसका मतलब एक और है कि अगर कोई अकाउंट लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू का है, लायबिलिटीज कैपिटल एंड रेवेन्यू का, उसके अंदर हमेशा क्रेडिट साइड ज्यादा होगी हमेशा, और डेबिट साइड कम होगी, तो इसका मतलब हमेशा उनका क्रेडिट बैलेंस होगा। तो जो मुझे बैलेंस क्रेडिट डाउन लिखना है, वो हमेशा मैं डेबिट साइड में बैलेंस क्रेडिट डाउन हमेशा डेबिट साइड, और जब बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखा जाएगा तो वो हमेशा क्रेडिट साइड में। इसका भी कोई नो एक्सेप्शन, ये हर लायबिलिटीज कैपिटल और रेवेन्यू के अकाउंट्स में ऐसा ही होगा। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर पूछे अभी तक जो मैंने डिस्कस किया? नो सर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन में आंसर दे देता हूँ, ऐसा होता ही क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि इनकी प्लस साइड ही डेबिट साइड है और इनकी प्लस साइड ही क्रेडिट साइड। एसेट्स लायबिलिटी एसेट्स एक्सपेंस और ड्राइंग्स में जो प्लस साइड है डेबिट साइड, मतलब प्रैक्टिकली भी अगर अपन सोचें तो किसी भी अकाउंट की माइनस साइड कैसे ज्यादा हो सकती है ये बताओ मेरे। कैश माइनस हो सकता है क्या? मशीनरी माइनस हो सकती है? लायबिलिटी माइनस हो सकती है? लायबिलिटी का मतलब क्या? देना है पैसा, दे दिया तो जीरो, मतलब जितना देना तो उससे ज्यादा थोड़ी दे देंगे, गलती हो जाए वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली लायबिलिटी का तो क्रेडिट साइड ज्यादा होगा ना। किसी भी अकाउंट की माइनस साइड ज्यादा कैसे हो सकती है? आप किसी भी अकाउंट में जितना आपने प्लस किया है उतना ही तो माइनस कर सकते हो। प्लस किया आपने 10,000, माइनस 20,000 कर सकते हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? आपने सबने अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ी हुई है, आप बताइए क्या किसी अकाउंट से हम घटाते हैं क्या? जितना पहले से उससे ज्यादा घटा सकते हैं क्या? ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। नहीं है तो उस अकाउंट में प्लस ही होगा, और जो प्लस है उतना ही माइनस हो सकता है, जितना प्लस है उससे ज्यादा माइनस आप कर ही नहीं सकते। इसलिए कभी भी किसी अकाउंट का माइनस साइड ज्यादा नहीं हो सकता। जब माइनस साइड ज्यादा नहीं हो सकता है तो माइनस साइड का बैलेंस कैसे हो सकता है? एसेट का हमेशा क्रेडिट साइड ज्यादा हो ही नहीं सकता, डेबिट ही ज्यादा होगा तो क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता। ड्रॉइंग्स अगर है तो डेबिट ही साइड ज्यादा होगी, क्रेडिट साइड कैसे ज्यादा हो सकती है? हो ही नहीं सकती। लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू की क्रेडिट साइड ही ज्यादा हो सकती है, डेबिट साइड ज्यादा हो ही नहीं सकती, तो हमेशा लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होगा और एसेट्स एक्सपेंस और ड्रॉइंग्स का डेबिट बैलेंस होगा हमेशा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब गिरिराज, अगर मैं कहता हूं अजय का ये अकाउंट है और इसके डेबिट में 30,000 रुपए है और क्रेडिट में 10,000 रुपए, तो गिरिराज जरा तू कैमरा ऑन कर जरा एक बार, वीडियो अपना ऑडियो क्या वीडियो कर। अब गिरिराज ये बताओ इस अकाउंट का बैलेंस कितना है अमाउंट? सर डेबिट साइड का 30 है। अच्छा, अरे बैलेंस पूछा तेरे से, डेबिट साइड का तो टोटल 20,000। अब ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? सर ये है डेबिट बैलेंस। अब तुम मुझे ये बताओ कि ये अकाउंट क्या, अजय तो नाम है ना किसी का? यस सर। तो अगर मैं तेरे से पूछता हूँ ये एसेट है एक्सपेंस है लायबिलिटीज है कैपिटल है रेवेन्यू है, तो पहले तो ये बताना क्या अजय रेवेन्यू हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता। अजय क्या रेवेन्यू का नाम हो सकता है क्या? नो सर। अजय तो कोई इंसान है ना, तो रेवेन्यू नहीं हो सकता। अजय एक्सपेंस हो सकता है क्या? नहीं सर। एक्सपेंस भी नहीं। अजय क्या कैपिटल अकाउंट हो सकता है क्या? नो सर।
कैपिटल भी नहीं होता, कैपिटल अकाउंट तो कैपिटल अकाउंट ही होता है। यस सर। तो इसका मतलब अजय अगर हो सकता है लायबिलिटीज या एसेट, लायबिलिटीज या एसेट, बहुत बढ़िया। अजय या तो एसेट है या फिर लायबिलिटी, एसेट है या लायबिलिटी। तो आप, तेरे को क्या लग रहा है, ये एसेट है कि लायबिलिटी? सर दोनों हो सकते हैं, 50-50 चांसेस। अच्छा, क्लास में और कोई दूसरा जवाब दे सकता है कि इसका कहना है ऑप्शन कि ये एसेट भी हो सकता है लायबिलिटी भी हो सकता है? कोई और बता सकता है कि एसेट है कि लायबिलिटी है या दोनों हो सकते हैं? सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। मैं क्या सर, प्रोबेबली ये एसेट होगा क्योंकि इसका डेबिट साइड ज्यादा है। और कोई बता सकता है? राशि तुम बताओ, एसेट है कि लायबिलिटी की, दोनों हो सकता है? आप लोग क्लास में हैं कि नहीं है पहले तो मुझे ये मालूम पड़ जाए भाई। राशि है ही नहीं क्लास के अंदर? नहीं सर, हूँ। हाँ हूँ तो बताओ। आदित्य राठौर तुम बताओ, जानवी तुम बताओ, जानवी तुम घूम रही हो कहीं पे? नहीं नहीं सर, सर मेरे हिसाब से ये लायबिलिटी का अकाउंट होगा। जानवी के हिसाब से? अच्छा ठीक है। राशि, लायबिलिटी एसेट है कि दोनों हो सकते? सर एसेट है। क्यों सर? इसका डेबिट साइड ज्यादा है ना। हाँ जानवी बताइए, लायबिलिटी कैसे हो सकता है? इन लोगों तो रीजन बताया, तुम्हारा रीजन क्या है? सर मेरे हिसाब से भले से डेबिट साइड ज्यादा है पर क्रेडिट साइड में हमको शायद और देना हो। देना हो, जो कुछ देना हो ना हो सब यहाँ है, अपने मन से थोड़ी देना होगा। जो कुछ है यहाँ है आपके सामने, अब अपने हवा में थोड़ी देना है भाई। देना है तो लिखा होना चाहिए अकाउंट में। किस बात का देना है? कुछ खरीदा होगा, खरीदा हो तो अजय के अकाउंट में आएगा ना। देना है तो देना है, लिखा होगा ना, यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं, तो क्या देना है? देना है तो अकाउंट में कहाँ है जानवी? नहीं सर, फिर मुझे कोई आइडिया नहीं है एसेट या लायबिलिटी। मैडम मैडम, इसका डेबिट साइड ज्यादा है। यस सर। तो डेबिट साइड ज्यादा है मतलब डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस है तो ये एसेट ही हो सकता है, लायबिलिटी हो ही नहीं सकता। ओके सर। मतलब एसेट, अच्छा एसेट है तो ये क्या, एसेट कौन कौन सी होती है? एसेट होती लैंड, मशीनरी। तो ये मशीनरी है क्या अजय? मशीनरी का नाम? नो सर। तो ये इस, ये कौन सी एसेट है? डेटर है। इसका मतलब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एक अजय का अकाउंट है और अजय के अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, देखिए अजय नाम है, अजय का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अगर मैं कहता हूं डेबिट बैलेंस है 20,000 रुपए, इसका मतलब सीधा सा है कि अजय हमारा डेटर है। और अगर मैं कहता हूं अजय का क्रेडिट बैलेंस है 15,000 रुपए, अजय क्रेडिटर है, तो अजय क्रेडिटर है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, कुछ कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जो नाम से ही मालूम पड़ जाते हैं। मैं कहता हूं मशीनरी अकाउंट, और मैं आपसे, एक सेकंड, मैं आपसे कहता हूँ मशीनरी अकाउंट का 50,000 का बैलेंस है, मैंने आपको ये नहीं बताया डेबिट है कि क्रेडिट है, तो बताइए मशीनरी अकाउंट का अगर 50,000 का बैलेंस हो तो डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट बैलेंस होगा? सर डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट ही हो सकता है, क्यों? क्योंकि मशीनरी तो एसेट होती है, मशीनरी का नाम ही मशीनरी, तो एसेट ही होगी ना। अच्छा मैं आपसे कहता हूँ कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो 1,20,000 रुपए है, इसका मतलब भले ही मैंने ये नहीं बताया कि डेबिट है कि क्रेडिट है, लेकिन चूंकि कैपिटल अकाउंट है ना, तो कैपिटल का तो क्रेडिट बैलेंस ही हो सकता है। तो ये आपको मान के चलना है कि कैपिटल का बैलेंस अगर 1,20,000 है तो मतलब वो क्रेडिट ही है, डेबिट तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं आपसे कहता हूँ एक अकाउंट है बैंक लोन, बैंक लोन के अंदर 45,000 का बैलेंस है, तो बैंक लोन हमने तो लोन दिया नहीं होगा, बैंक से तो हमने लोन लिया होगा ना, तो ये लायबिलिटी है राशि। अगर ये लायबिलिटी है तो इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। ये क्या होता है, कुछ चीजों में आपको समझना है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं, जैसे मैंने अजय का नाम दिया, ऐसे में सीमा का नाम दे रहा हूँ, ऐसे में कोई ललिता का नाम दे रहा हूँ। भैया ये जो नाम है ये तो भैया डेटर भी हो सकते हैं और ये क्रेडिटर भी हो सकते हैं। डेटर होंगे तो डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिटर होंगे तो क्रेडिट बैलेंस होगा।
अब अगर डेबिट तो हमको ये बताना पड़ेगा आपको कि अजय सीमा ललिता का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। जस्ट आपको ये बताना पड़ेगा कि अजय का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। आपको ये बताना पड़ेगा कि सीमा का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस। आपको ये बताना पड़ेगा ललिता का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस। तब मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि ये डेटर है कि क्रेडिटर है। लेकिन मशीनरी के लिए आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि डेबिट है कि क्रेडिट है। आपको मुझे सिर्फ अमाउंट बताने की जरूरत है, मुझे डेबिट क्रेडिट बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरा कैश का बैलेंस है तो कैश तो हमेशा एसेट ही होता है। एक सेकेंड, कैश तो एसेट ही होता है। तो मुझे सिर्फ अमाउंट बता दीजिए, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि इसका डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कैपिटल अकाउंट का, तो आप बस मुझे अमाउंट बता दीजिए, मुझे ये मत बताइए कि डेबिट होगा क्रेडिट होगा। मुझे मालूम है कि कैपिटल का तो क्रेडिट ही होगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने बैंक से लोन ले रखा है, बैंक लोन है, तो आप मुझे सिर्फ अमाउंट बता दीजिए, मुझे डेबिट क्रेडिट मत बताइए। अगर मैं आपसे कहता हूँ एक्स लोन, तब आपको मुझे बताने की जरूरत है कि एक्स को लोन मैंने दिया है कि भैया एक्स से लोन दिया है। अगर मैंने एक्स को लोन दिया है तो इसका डेबिट बैलेंस होगा, और एक्स से लोन लिया है तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। एक्स का लोन तो दोनों हो सकता है। लेकिन मुझे आपको, अगर मैं कहता हूं आपसे सैलरी अकाउंट की, सैलरी अकाउंट के अंदर 6000 रुपीस का बैलेंस है, तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि डेबिट क्रेडिट है। सैलरी तो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का तो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। सैलरी बिजनेस को मिलती तो है ही नहीं कभी, सैलरी तो हमको देते ही। अगर मैं आपसे कहता हूँ कमीशन अकाउंट है, तो भैया कमीशन तो दोनों हो सकता है, रेवेन्यू भी हो सकता है, बिल्कुल सही, और कमीशन एक्सपेंस भी हो सकता है। अगर इसका डेबिट बैलेंस है तो एक्सपेंस है, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो रेवेन्यू। तो इसलिए अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन, जैसे रेंट है, रेंट दोनों हो सकता है, रेवेन्यू भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है। रेंट रेवेन्यू भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है। महिका, मैं थोड़ा सा अभी जोश जोश में थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, तुमको लग रहा है थोड़ा सा स्पीड बढ़ गई मेरी, है ना? तो वो आपको एक बार वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा, क्योंकि आप बीच में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन लूज कर गए थे। ठीक है, तो रेंट जो है रेवेन्यू भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है। तो रेंट अगर मुझे मिला है तो रेवेन्यू है, रेंट दिया है तो एक्सपेंस है। तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि रेंट का क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर रेंट का बैलेंस नहीं दिया होता, कमीशन का बैलेंस नहीं, तो जब नहीं दिया है तो ये हमेशा हम डेबिट ही मानते हैं। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मानते हैं कि हम ये मान कर चलते हैं कि बिजनेस ने रेंट तो दिया ही होगा। अगर मिला है ना तो बताओ भाई मिला है। जब तुम नहीं बता रहे हो कि मिला है कि दिया है, तो हम तो मानेंगे ना दिया होगा। बिजनेस का काम तो रेंट ज्यादातर देने का है ना, लेने का थोड़ी बिजनेस का। लेकिन नॉर्मली कमीशन के केस में लोग लिख देते, कमीशन के केस में लोग लिख देते। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और, फिर मैं अपनी बात आज की क्लास खत्म करता हूँ। डिस्काउंट, अगर हमने डिस्काउंट दिया है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा, और डिस्काउंट रिसीव्ड है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, रिसीव्ड रेवेन्यू होता है। अगर कभी कभी क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है कि अलाउड की रिसीव, बस डिस्काउंट लिखा हुआ, अब भाई हम क्या माने, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है। क्वेश्चन में बताना चाहिए, नहीं दिया है तो आप इसको एक्सपेंस मान सकते हैं। अब मानना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। नॉर्मली डिस्काउंट तो ऐसी चीज है कि रेंट मान लेते हैं, रेंट बिजनेस को मिलता कम है, बिजनेस दे, लेकिन डिस्काउंट तो मिलता भी है, देते भी है। तो भैया बताओ डेबिट है कि क्रेडिट है। तो कई बार लोग ऐसे लिख देते हैं डिस्काउंट, कुछ कई बार क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहता है डिस्काउंट, और ब्रैकेट में लिख देते हैं डेबिट। इसका मतलब एक्सपेंस अलाउड ही है, ये रेवेन्यू हो ही नहीं सकता, ये तो एक्सपेंसिव। तो मेरा कहने का, आज की जो क्लास हमने डिस्कस की, हमने ये देखा कि हर अकाउंट का बैलेंस होता है नॉर्मली, सभी जब तक वो अकाउंट बंद नहीं हो जाए, जीरो नहीं हो जाए, दोनों साइड इक्वल। और जो बैलेंस है हम उस अकाउंट का नेचर पहचान सकते हैं, है ना? जैसे कहते हैं ना कि किसी से बात कर दो
वो कितने अच्छे से बोलना है, उसकी बोलचाल से समझ में आ जाता है कि भैया ये कैसा आदमी पढ़ा लिखा है कि गंवार का है ना, इसको तमीज भी है बात करने की नहीं है, बोलने से समझ में आ जाता है, दो शब्द बोलने से मालूम पड़ जाता है। एक बार मैं आपको किस्सा बताता हूँ, एक बार एक स्कूल में नाम नहीं लूंगा, जरूरत नहीं है उसकी, अभी ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं, आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर की बात। उन्होंने मुझे कहा कि सर आप बोर्ड की क्लास थी, लास्ट ईयर कोविड लगा था, कोविड तो मार्च में लगा, उसके पहले उन्होंने मुझे बुलाया था स्कूल में कि आप बच्चों को प्रैक्टिस हो जाए कि बोर्ड में वाइवा कैसे फेस करना है, तो आप एक हमारे स्कूल में वाइवा लेने आ जाइए। तो मैं उन्होंने मुझे बुलाया था, वो बुलाते रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया था लास्ट ईयर। जब लास्ट ईयर बुलाया था तो मैं बच्चों से पूछता था, दो क्वेश्चन पूछता था, मैंने पूछा उनसे कि आपने कैसे बताया, वो बच्चा अपना मुंह खोलता था और दो तीन शब्द बोलता था, मैं उसको बता देता तो बेटा आपके स्कूल के अंदर आपके जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर तुम्हारे मार्क्स 50 से 60 के बीच में आते होंगे। ऐसा मैंने उसमें कम से कम 15-20 बच्चों को बोला होगा कि तुम्हारे 50-60 आते होंगे, तुम्हारे 70-80 आते होंगे, दो शब्द में पहचान लेते। तो वो बच्चे बाहर जाके जिससे टीचर्स थे उन्होंने बाद में मतलब वो कहते थे कि कुछ पंद्रह सर को क्या कुछ पंडित है एस्ट्रोलॉजर है क्या, कैसे इन्होंने पहचान, और बच्चे कहते थे कि सर बिल्कुल यही आप सही कह रहे, मेरे इसी रेंज में मार्क्स आते। तो उनके कॉन्फिडेंस से, उनके बोलने से एकदम भाम जाता था ना कि ये बच्चा किस लेवल का बच्चा, मतलब ये किस इसकी प्रिपरेशन कैसी है और ये किस लेवल पे डोलता है। एक दो केसेस में थोड़ा सा फर्क पड़ा लेकिन बाकी ना सब सही था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी अकाउंट का आपको बैलेंस बता दिया जाए कि ये बैलेंस क्या है, तो आप पता चल जाएगा आपको कि ये अकाउंट एसेट है कि लाइबिलिटी है, कि डेटर है कि क्रेडिटर है। कुछ के तो नाम से ही मालूम पड़ेगा कि वो तो एसेट ही हो सकती है, कुछ अकाउंट जिनमें दोनों हो सकता है। तो अगर आपको बैलेंस बता दिया जाए कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, तो आप ये बता सकते हो कि वो एसेट है कि लाइबिलिटी, वो एक्सपेंस है कि रेवेन्यू। मैं डिस्काउंट का बैलेंस बता दूं, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सपेंस है कि रेवेन्यू। मैं आपको बता दूं कमीशन का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक्सपेंस है कि रेवेन्यू। मैं आपको बता दूं कि सीमा के अकाउंट का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि डेटर है कि क्रेडिटर। तो कुछ अकाउंट्स में ऐसा होता है कि बैलेंस से आप उस अकाउंट का नेचर जान सकते हो। तो ये बैलेंस की ये खूबी है, इतना इंपॉर्टेंट है बैलेंस हमारे लिए, ठीक है। और फिर हमने क्या समझा, हमने ये भी समझा कि बैलेंस हमेशा मंथ के एंड में क्रेडिट डाउन होता है और अगले मंथ के ब्रॉड डाउन होता है। और फिर हमने ये देखा कि जितना क्रेडिट डाउन होगा उतना ही ब्रॉड डाउन, दोनों में कभी डिफरेंस नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर रात को चोरी हो गई, कैश गायब भी हो गया, तो भी उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, है ना। ऐसा नहीं हम रात को रख के बैठे थे 1,00,000 रुपए तिजोरी बंद करके, सुबह आए तो उसके अंदर गायब मिल गए अपने, तो वो गायब मिल गए तो मतलब आप सोचोगे करीब डाउन तो 1,00,000 था, ब्रॉड डाउन तो 0 हो गया। ऐसा नहीं है, वो लॉस बाय थेफ्ट की एंट्री करनी पड़ेगी, तब ब्रॉड डाउन 0 होगा, है ना। तो कहने का मतलब जितना करीब डाउन होता है उतना ही ब्रॉड डाउन, ठीक है। तो अभी के लिए क्लास इतनी, अभी हम इस जो मैंने आज आपको जो बेसिक चीजें समझा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इससे आपकी अकाउंट्स की स्ट्रेंथ, अकाउंट सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ आएगी और आप गलतियां छोटी मोटी कम करो। तो इसलिए ये सेशन अभी हमारा 7:00 के आसपास, राशि आर यू एबल 7:10 करें इसको, बिकॉज यू कम फ्रॉम योर मैथ्स क्लास जस्ट बिफोर दिस। यस सर, चलेगा 7 की 7:10 करें कैसा? तो आप ये क्लास हमारी चलती रहेगी, इसकी रिकॉर्डिंग में डालता रहूंगा, आप देखते रहिए जो लोग अटेंड कर पा रहे हैं, और मेरी इच्छा है ये क्लास सब अटेंड करें, और बाकी दिस विल कंटिन्यू दिस फॉर सम टाइम। अभी मुझे आपको कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी समझानी, ठीक है। यस सर। यस, आपको कोई डाउट है, किसी को कुछ चीज पूछनी है? नहीं ना, ठीक, फाइन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। इज ओवर। थैंक यू सर। गुड नाइट। Whatever is left, जितनी बची है बाकी सुबह में, कल मिलते हैं। Okay, bye. Thank you, sir. Thank you, sir.